हेलो एवरीवन, टुडेज टॉपिक इज सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट बाय ईवी रामस्वामी पेरियार। सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, जब हम ये नाम सुनते हैं तो हमें बहुत क्यूरियोसिटी होती है जानने की कि इसमें किन लोगों के सेल्फ रिस्पेक्ट की हम बात कर रहे हैं और किस तरह के सेल्फ रिस्पेक्ट की हम बात कर रहे हैं। क्या ये विमेन के कॉन्टेक्स्ट में है या ये पुअर लोगों के कॉन्टेक्स्ट में है, क्योंकि ये एक मूवमेंट है और मूवमेंट हमेशा ही एक बड़ा एजेंडा लेके आता है। तो हम देखते हैं कि कैसे पेरियार जी ने इस सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट को स्टार्ट किया। सो इरोड वेंकटप्पा रामस्वामी नेकर, नोन एज पेरियार, ये उनका पूरा नाम था, शॉर्ट में हम ईवी रामस्वामी कहते हैं, वॉज अ सोशल रिफॉर्मर हु फॉट सोशल इनजस्टिस एंड प्रमोटेड रैशनल थिंकिंग इन इंडिया। उन्हें लगा कि उन्होंने ये फील किया कि सोसाइटी में जस्टिस नहीं है और जो लोगों की थिंकिंग है वो कहीं ना कहीं रैशनल नहीं है, तो इन दो चीज़ों को उन्होंने प्रमोट किया। ही वॉज बॉर्न ऑन सेप्टेम्बर 17, 1879 इन इरोड तमिलनाडु। पेरियार्स एफर्ट स्पेशली through the self-respect movement have impacted Indian society and politics. So the self-respect movement started to create a society where disadvantaged class would have equal access to opportunities and human rights. तो वो क्लास जो जिनको एडवांटेज नहीं मिलते थे उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, उनको इक्वल ह्यूमन राइट्स मिले, इसके लिए उन्होंने काम किया। ये मूवमेंट उसके बारे में था। इन अ कल्चर वेयर दे वर सीन एज अ लोएस्ट सोशल कास्ट, इट ऑल्सो इनकरेज बैकवर्ड क्लास टू वैल्यू देमसेल्फ। सो द मूवमेंट एम्ड टू अचीव सोशल इक्वालिटी फॉर दोज ऑप्रेस्ड बाय द इंडियन कास्ट सिस्टम एंड टू हेल्प लोअर कास्ट डेवलप सेल्फ रिस्पेक्ट। क्योंकि हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा, जिसमें जो एनिहिलेशन ऑफ कास्ट, हम उसमें भी ये पढ़ रहे थे कि स्पेशली इंडिया में जो कास्ट सिस्टम है उसमें एक्सप्लॉयटेशन बहुत है, कि इनका जो लोअर कास्ट पीपल हैं, है ना, लास्ट में तो हमने दलित के बारे में पढ़ा था, लेकिन लोअर जो शूद्र हो गए या जो छोटी, जिनको कहा जाता है कि छोटी जात या बैकवर्ड या शेड्यूल कास्ट, ऐसे उनको रिस्पेक्ट नहीं किया जाता, उनके रिस्पेक्ट पे बहुत उन्होंने ध्यान दिया। एंड It had a big impact in Tamil Nadu and countries with large Tamil communities like Sri Lanka, Burma, Malaysia, Singapore. तो उनके ये जो विचार थे वो सिर्फ एक जगह तक limited नहीं थे, ऐसा नहीं था कि सिर्फ तमिलनाडु तक ही limited है या उसका impact और जगह पर नहीं है, उसका impact काफ़ी जगह पर था। Now origin and objective of the self-respect movement. Many political parties in Tamil Nadu like the Dravida Munnetra Kazhagam DMK and the All India Anadravida Munnetra Kazhagam AIADMK were founded on principle of the self-respect movement. कि ये दो main parties थी जिन्हों जो self-respect movement से संबंधित थी। The movement's three main goals were to end Brahminical authority, ensure job equality for women and underrepresented groups, and revive the Dravidian language, which include Telugu, Malayalam, Kannada, and Tamil. तो ये तीन main aim तो खैर बहुत सारे थे, लेकिन ये तीन main aim थे जिसपे पेरियार जी ने काम किया। It aimed to give dignity and self-worth to oppressed community, especially the lower caste who had been marginalized for centuries. So the self-respect movement was a dynamic effort to completely change the Hindu social order by removing caste, religion and God and creating a new rational society. तो उन्होंने अपोज किया कि कास्ट नहीं होनी चाहिए, ऐसा कोई रिलीजन नहीं होना चाहिए, सोसाइटी क्या प्योरली रीजनफुल होनी चाहिए। सो इट वाज एन एगेलियन मूवमेंट दैट शॉट टू बी ब्रेक डाउन ब्राह्मिनिकल डोमिनेंस, इंश्योर इक्वल राइट्स फॉर बैकवर्ड क्लासेस एंड वुमेन। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ उन्होंने
लोअर क्लास के लिए काम किया या बैकवर्ड क्लास के लिए काम किया, उन्होंने वुमेन के कॉन्टेक्स्ट में भी, उनके एम्पावरमेंट के लिए भी बहुत काम किया। पेरियार बिलीव दैट द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वॉज द ओनली वे टू अचीव ट्रू फ्रीडम। ही थॉट दैट मैनी नेशनलिस्ट लीडर ऑफ द टाइम लाइक नेहरू एंड गांधी डिड नॉट ट्रूली बिलीव इन द सेल्फ रिस्पेक्ट इंडिविजुअल, सेल्फ रिस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल। अकॉर्डिंग टू पेरियार, पोलिटिकल फ्रीडम अलोन डिड नॉट इंश्योर पर्सनल फ्रीडम। What is required, he valued self-respect as much as life itself and considered its protection, a birthright, more important than स्वराज। उन्होंने कहा कि उस टाइम के जो लीडर थे जैसे नेहरू जी और गांधी जी, उन्होंने सेल्फ इंडिविजुअल के सेल्फ रिस्पेक्ट पे शायद उतना ध्यान नहीं दिया। उन्होंने फ्रीडम के लिए तो फाइट की, लेकिन वो कहते हैं कि एक जो एलिमेंट इम्पॉर्टेंट था वो क्या था, वो था सेल्फ रिस्पेक्ट। तो उन्होंने जिन लोगों को कास्ट की वजह से या रिलीजन की वजह से रिस्पेक्ट नहीं मिलती थी, तो पेरियार ने उस फील्ड पे काम किया कि उनको भी रिस्पेक्ट मिले, उनको भी इक्वल अपॉर्चुनिटी मिले, इक्वल राइट्स की वो भी बात करें। सो सपोर्टर ऑफ द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट आउटलाइन देयर गोल इन टू पैम्फलेट्स। ये जो सपोर्टर थे सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट, उन्होंने उनके गोल को, वैसे तो मैंने 3 गोल आपको बता दिए जो इम्पोर्टेंट है, लेकिन और भी बहुत सारे प्रिंसिपल हैं उस मूवमेंट के, और वो 2 पैम्पलेट में निकाले थे, नामातो कुरिकल और त्रावितरकर कलम टेटेनियम। ये सॉरी हमारी लैंग्वेज में नहीं है, सो प्रोनाउंसिएशन थोड़ा सा डिफिकल्ट है इसका। नाउ क्या गोल हैं उनके, वो हम एक एक करके पढ़ते हैं। फर्स्ट है एवोल्यूशन ऑफ कास्ट सिस्टम। सबसे पहले तो जो सोसाइटी में कास्ट सिस्टम चल रहा था, जैसे 4 वर्ण या रिलीजन के जो इतने सारे डिफरेंट डिफरेंट रिलीजन है, कोई सुपीरियर है कोई इन्फीरियर है ना, किसी को रिस्पेक्ट मिल रहा है किसी को नहीं मिल रहा है, तो ये जो कास्ट सिस्टम था इसको सबसे पहले वो ख़त्म करना चाहते थे। पेरियार वेहमेंटली अपोज द हायरार्कल कास्ट सिस्टम विच ही सॉ अ रूट कॉज ऑफ सोशल इनइक्वालिटी एंड इनजस्टिस, क्योंकि समाज में जो भी असमानता जो भी अन्याय है उसकी जड़ सिर्फ और सिर्फ ये जाति व्यवस्था ही थी। सो ही एडवोकेट फॉर द कंप्लीट इरेडिकेशन ऑफ कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन एंड प्रमोटेड द आइडिया ऑफ अ कास्टलेस सोसाइटी। द मूवमेंट एम्स टू डू अवे विथ सच सोशल स्ट्रक्चर ऑफ सोसाइटी वेयर वन क्लास ऑफ पीपल क्लेम टू बी सुपीरियर टू अदर एंड सम मैन क्लेम टू बी हायर बर्थ देन अदर। सो टू क्रिएट अ फेयर एंड पीसफुल सोसाइटी एंड कंप्लीटली एलिमिनेट अनटचेबिलिटी सो एवरी वन फील्स फ्री इन कम्युनिटी। कहते हैं ना, कुछ लोग हायर हैं कुछ लोग इन्फीरियर हैं, कोई बर्थ से ऊंचा है कोई बर्थ से नीचा है, तो इस तरह के डिवीजन ना हो सोसाइटी में, और एक पीसफुल सोसाइटी के लिए ज़रूरी है कि वो कास्ट सिस्टम का रेडिकेशन हो। देन फर्दर, वन ऑफ हिज मोस्ट नोन कोट ऑन सेल्फ रिस्पेक्ट दैट इज वी आर फिट टू थिंक ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट ओनली वैन द नोशन ऑफ सुपीरियर एंड इन्फीरियर कास्ट इज वैनिस्ड फ्रॉम आर लैंड। देन सेकेंड इज प्रमोशन ऑफ रैशनलिज्म। दूसरा, क्योंकि जब कास्ट सिस्टम हटेगा तो लोग ऑटोमेटिकली रीजनफुल होंगे। सो पेरियार वॉज अ स्टॉन्च रैशनलिस्ट हु बिलीव्ड इन क्वेश्चनिंग एंड चैलेंजिंग सुपरस्टिशंस रिलीजियस डॉगमा एंड इरेशनल बिलीफ। जैसे कि हम कई चीज़ें बस ऐसे ही मानते हैं क्योंकि वो रिलीजन का पार्ट है, या अंधविश्वास हो गए, या ऐसे बिलीफ जिनका कोई लॉजिकल कनेक्शन नहीं है। सो ही इनकरेज पीपल टू थिंक क्रिटिकली एंड एडॉप्ट अ साइंटिफिक अप्रोच टू लाइफ। ही डिस्करेज पीपल फ्रॉम बिल्डिंग न्यू टेम्पल्स मठ वैदिक स्कूल्स। पीपल शुड ड्रॉप द कास्ट टाइटल इन देयर नेम। कॉमन फंड्स बी यूटिलाइज फॉर एजुकेशनल पर्पस एंड फॉर क्रिएटिंग
एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी फॉर द अनएम्प्लॉयमेंट, वो कहते हैं ना कि मतलब रैशनली सोचो आप, नए मंदिरों की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, नए वैदिक स्कूल्स की उतनी रिक्वायरमेंट नहीं है, क्या बनाओ आप, हॉस्पिटल्स बनाओ आप, एजुकेशन सिस्टम को स्ट्रॉन्ग करो, है ना, बहुत सारे कॉलेजेस, मतलब जिससे लोगों में रैशनैलिटी आए, विजडम आए, अब वो काम करिए जिससे उनके सुपरस्टिशन या रिलीजियस डॉगमा और वो सच्चाई को देख पाएँ, वो रियलिटी को समझ पाएँ और उनकी ये सारी चीज़ें अपने आप रेडिकेट होती चली जाएँ। सो वो कहते हैं कि मान लो जो कॉमन फंड है वो भी किसके लिए, इन पर्पज़ के लिए यूटिलाइज होना चाहिए, ना कि टेम्पल बनाने में या किसी और ऐसी चीज़ में जो रैशनल नहीं है। फर्दर एवरीवन शुड एक्ट अकॉर्डिंग टू रीज़न, अंडरस्टैंडिंग, डिज़ायर एंड परस्पेक्टिव विदाउट बींग सब्जेक्टेड टू एनी फॉर्म ऑफ स्लेवरी। कि आप ये ध्यान रखें कि आप दास प्रथा को तो में तो नहीं आ गए, आप दास तो नहीं बन रहे हैं किसी चीज़ों के, ट्रेडिशनल व्यू हो गया या रिलीजियस व्यू हो गया, आप उसको बिना सोचे समझे मान रहे हैं, कोई सवाल जवाब नहीं, कोई क्रिटिकल एग्जामिनेशन नहीं, तो उससे क्या होता है, उससे स्लेवरी का भाव आता है, उससे दास का भाव आता है कि आप उसके नौकर बन चुके हैं। उन चीज़ों से हटने के लिए आपको रीज़नफुल होना पड़ेगा। देन थर्ड इज जेंडर इक्वालिटी। पेरियार वॉज अ स्ट्रॉन्ग एडवोकेट फॉर वुमेन्स राइट, ही कंपेन फॉर वुमेन्स एजुकेशन, द राइट टू इनरेंट प्रॉपर्टी एंड द एलिमिनेशन ऑफ प्रैक्टिस लाइक चाइल्ड मैरिज एंड द डाउरी सिस्टम। तो उन्होंने, जैसा कि मैंने कहा कि वुमेन की फील्ड में उन्होंने बहुत सारा काम किया, तो उनकी एजुकेशन से रिलेटेड बाल विवाह जो होता था उससे ये जो प्रथा थी उसके लिए उन्होंने बोला, प्रॉपर्टी में भी वुमेन का राइट होना चाहिए, हिस्सा होना चाहिए, इसके लिए उन्होंने बोला, दहेज प्रथा के लिए उन्होंने बोला, सो इन सबका अपोज किया। ही बिलीव दैट ट्रू सोशल प्रोग्रेस कुड नॉट बी अचीव व्हेन वुमेन वर ट्रीटेड एज इक्वल, तक क्योंकि इस सोसाइटी में आप देखो कि मैन एंड वुमेन दोनों ही इक्वल कंट्रीब्यूशन देते हैं, तो ऐसा नहीं है कि एक को निग्लेक्ट कर दिया जाए, एक हम वी कैन नॉट से वन इज मार्जिनल एंड वन इज सुपीरियर, कि मैन तो सुपीरियर है, मैन सेंटर है, लेकिन वुमेन क्या है, मार्जिनल है, ऐसा नहीं। वो कहते हैं कि फ्रीडम हमें सही मायने में तभी मिलेगी या डेवलपमेंट या प्रोग्रेस तभी होगी जब वुमेन को भी इक्वल राइट या इक्वल अपॉर्चुनिटी या इक्वल पर्सपेक्टिव से देखा जाएगा। इट एम टू वर्क फॉर गेटिंग इक्वल अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल पीपल इररिस्पेक्टिव ऑफ देयर कम्युनिटीज, इट विल स्ट्राइव टू सिक्योर इक्वल स्टेटस फॉर वुमेन अलोंग विथ मैन इन लाइफ एंड अकॉर्डिंग टू लॉ। सो मैन एंड वुमेन आर टू बी ट्रीटेड एज इक्वल इन एवरी वे अकॉर्डिंग टू रामास्वामी। देन नेक्स्ट इज सोशल जस्टिस। The movement aimed to uplift the socio-economic status of marginalized communities by advocating for equal opportunities in education and employment. So, Periyar emphasized the need for social justice and equitable distribution of resources. All people should be given equal opportunity for growth and development. नो इकोनॉमिक डिफरेंस सच एज रिच एंड पुअर। वो कहते हैं कि सोशल जस्टिस तभी होगा जब कोई डिफरेंस नहीं होगा, कि कोई कैटेगरी नहीं बनेगी, कोई रिच और पुअर को बिलोंग नहीं करेगा, मतलब इक्वल अपॉर्चुनिटी, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रिसोर्सेज, सब कुछ इक्वल। सो टू क्रिएट अ सोसाइटी वेयर लोअर कास्ट हैव द सेम बेसिक राइट एज हायर कास्ट, मेकिंग इक्वालिटी अ सेंट्रल पार्ट ऑफ सोसाइटी, दिस इज अ मेन एम, मेन फोकस ऑफ द फिलोसफी ऑफ रामास्वामी। डिस्क्रिमिनेशन शुड नॉट बी सपोर्टेड और प्रैक्टिस्ड, ये नहीं होना चाहिए। नाउ सेकेंड इज इंटर कास्ट एंड इंटर रिलीजियस। सो मैरिज शुड नॉट बी प्रोहिबिटेड बाय कास्ट। वो कहते हैं नेक्स्ट कि मैरिज क्या नहीं होनी चाहिए, कि ऐसा नहीं ना कि जैसे पहले बहुत माना जाता था कि विद इन कास्ट, विद इन रिलीजन, बट आज के टाइम पे ये कॉन्सेप्ट चेंज हो चुका है। अकॉर्डिंग टू द मूवमेंट विच प्रमोटेड इंटर कास्ट एंड इंटर रिलीजियस यूनियन इन विच वन मस्ट बी अलाउड टू मीट द पार्टनर ऑफ वन्स चॉइस ड्यू टू प्रीडोमिनेंस ऑफ चाइल्ड ब्राइड,
Many young girl experienced loss, the self-respect weddings also apply to widows remarrying. तो उन्होंने ये भी कहा कि जैसे पहले के टाइम पे विधवा प्रथा जिसमें उन्हें बहुत मतलब से सादा जीवन जीना पड़ता था, अलग सोना पड़ता था, अलग बर्तनों में खाना पड़ता था, सफ़ेद कपड़े पहनने पड़ते थे, ये एक तरह का शोषण था वुमेन का, क्योंकि वो अपने लिए नहीं लड़ रही है. उसके भी रीज़न थे कि क्यों नहीं लड़ रही है, जैसे एजुकेशन नहीं है, उनके पास अवेयरनेस नहीं है, है ना. ऊपर से पेट्रियार्कल सोसाइटी में वैसे ही वुमेन के लिए फाइट करना कॉम्प्रोमाइजिंग होता है. तो वो कहते हैं कि मतलब जो विधवा हैं उनकी दोबारा शादी होनी चाहिए, है ना, ये उन्होंने बोला. सेल्फ रिस्पेक्ट, मतलब सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट में कोई एक एम या एक गोल नहीं था, उन्होंने बहुत सारी चीज़ों पे फोकस किया, बहुत एक्सटेंडेड था ये मूवमेंट. एंड फर्दर प्रमोशन और कुछ और जैसे एम्स आ जाते हैं, प्रमोशन ऑफ फ्रेंडशिप एंड यूनिटी अराउंड द वर्ल्ड. वो कहते हैं कि क्या होगा, क्योंकि जब लोगों में डिफरेंस नहीं होंगे ना, तो उनमें जाहिर सी बात है कि फ्रेंडशिप मित्रता भाव आएगा और सब एक दूसरे को सम्मान की दृष्टि से देखेंगे, तो संसार में एक एकता भी आएगी. टू अचीव सोशल ट्रांसफॉर्मेशन वेयर एवरी वन नेचुरली एक्सपीरियंस फ्रेंडशिप एंड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग. एंड लास्ट वन इज़ टू डेवलप स्कूल एंड कॉलेज एंड बिल्ड होम्स फॉर द होमलेस ऑर्फन्स एंड विडोज. तो उन्होंने सोशल वर्क पे भी काफ़ी ध्यान दिया, जिससे काफ़ी लोगों की कंडीशन इम्प्रूव भी हुई. देन मेथड्स एंड स्ट्रेटजी, क्या कैसे उन्होंने सेल्फ मूवमेंट जो था उसकी क्या मेथडोलॉजी थी. पेरियार एम्प्लॉयड अ वेराइटी ऑफ मेथड टू प्रोपेगेट द आइडिया ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट. फर्स्ट इज पब्लिक स्पीच एंड मीटिंग. सो पेरियार वॉज एन एलोकेंट ऑरेटर हु यूज्ड हिज स्पीचेस टू रेज अवेयरनेस अबाउट सोशल इशूज एंड इंस्पायर पीपल टू जॉइन द मूवमेंट. हिज पब्लिक मीटिंग ऑफन ड्रू लार्ज क्राउड एंड वर इंस्ट्रूमेंटल इन स्प्रेडिंग अ मैसेज ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड इक्वालिटी. तो वो बहुत अच्छे भाषण दिया करते थे, लोगों के बीच मीटिंग हुआ करती थी, वो उन्हें इंस्पायर करते थे कि आप भी मूवमेंट को ज्वाइन कीजिए, उनके मोटिव बताते थे, है ना. तो इस तरह से वो काम करते थे. सेकंड इज पब्लिकेशन. सो पेरियार यूज्ड न्यूज़पेपर मैगजीन एंड पैम्पलेट्स टू डिसेमिनेट द प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट. लोगों को पता कैसे चलेगा, हम लोग को भी आज कैसे सोशल मीडिया से ही पता चलता है ना, तो उस टाइम पे सोशल मीडिया उतना एक्टिव नहीं था, तो न्यूज़पेपर मैगजीन पैम्पलेट्स इस तरह से लोगों तक खबर पहुंचाई जाती थी. हिज पब्लिकेशन कुटराश्व रिपब्लिक प्लेड अ क्रूशल रोल इन एजुकेटिंग द मास इन चैलेंजिंग रिग्रेसिव सोशल नॉर्म्स. देन थर्ड इज डायरेक्ट एक्शन. द मूवमेंट ऑल्सो इन्वॉल्व डायरेक्ट एक्शन सच एज ऑर्गेनाइजिंग प्रोटेस्ट मार्च एंड डिमॉन्स्ट्रेशन अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस. तो इस तरह के वो एक्शन भी किया करते थे. पेरियार्स बोल्ड एक्शन लाइक बर्निंग ऑफ द मनुस्मृति वर सिम्बॉलिक गेस्चर एम टू चैलेंजिंग ऑपरेसिव ट्रेडिशन. क्योंकि मनुस्मृति को माना जाता है कि वो ह्यूमन राइट्स की पहली बुक थी, और जिसमें ये जो कास्ट सिस्टम है और ये जो पूरा भारतीय समाज का जो बेस है वो बताया गया है, और सब और क्योंकि उसको अपोज करते हैं इसलिए उन्होंने उनकी कॉपियां जलाई मनुस्मृति की. इस तरह से ये उनके कुछ मेथड और स्ट्रेटजीज थी. नाउ फर्दर इम्पैक्ट एंड लेगेसी. सो द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट हैड अ प्रोपाउंड इम्पैक्ट ऑन तमिल सोसाइटी एंड बियॉन्ड ऑल्सो. सो द फर्स्ट इज सोशल रिफॉर्म. सो द मूवमेंट सक्सेसफुली ब्रॉट इशू ऑफ कास्ट डिस्क्रिमिनेशन एंड सोशल इनइक्वालिटी टू द फोर फ्रंट ऑफ पब्लिक डिस्कोर्स. सबसे पहले क्या था कि उन्होंने कहा कि लोगों के सामने समस्या क्या है ये रिप्रेजेंट हो, लोग समझें कि कास्ट डिस्क्रिमिनेशन कितना ज़्यादा है और किस तरह से एक्सप्लॉयटेशन बढ़ रहा है. इट लेड टू सिग्निफिकेंट सोशल रिफॉर्म्स इंक्लूडिंग द इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिसीज एम्ड एट इम्प्रूविंग द सोशो इकोनॉमिक स्टेटस ऑफ लोअर कास्ट. So the monopoly of power and influence enjoyed by the Brahmin was slowly lost due to Periyar increasing propaganda against orthodoxy. तो क्या क्या मतलब impact हुआ उनके इस movement का,
वो जानना भी बहुत ज़रूरी है. इट फिल विद द सेंस ऑफ सेल्फ रिस्पेक्ट एंड अबव ऑल सेल्फ कॉन्फिडेंस टू फाइट अगेंस्ट सोशल इनजस्टिस प्रिपरेटेड बाय ब्राह्मिन्स ऑफ द डे. लोगों में भी अवेयरनेस हुई, लोगों ने भी उनके अगेंस्ट जो प्रोटेस्ट या मार्च उसमें वो पार्टिसिपेट करने लगे, लोग बोलने लगे एंड अप्रिशिएट करने लगे. सो ड्यू टू रिलेंटलेस फाइट ऑफ सपोर्टर ऑफ द मूवमेंट द नेम ब्रॉड ऑफ द होटल्स वर चेंज फ्रॉम ब्राह्मिन्स होटल टू वेजिटेरियन होटल. ये कुछ सोसाइटी में कुछ कुछ चेंज आने लगे कि होटल जो पहले उनका नाम होता था ब्राह्मण्स होटल, यहाँ वहाँ पे केवल ब्राह्मण्स ही आ सकते हैं. फिर उनका नाम चेंज किया कि वो ब्राह्मण से वेजिटेरियन होटल रख दिया गया. नाउ सेकंड इज पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस. पेरियार्स आइडिया इन्फ्लुएंस द ड्रेविडियन पॉलिटिकल मूवमेंट लीडिंग टू द फॉर्मेशन ऑफ पॉलिटिकल पार्टी जो मैंने आपको अभी पहले बताई थी डीके एंड डीएमके. सो दीज पार्टीज प्ले अ पिवोटल रोल इन शेपिंग द पोलिटिकल लैंडस्केप ऑफ तमिलनाडु एंड एडवोकेटिंग फॉर सोशल जस्टिस एंड स्टेट राइट. द सिस्टम ऑफ एलोकेटिंग सेपरेट प्लेस फॉर हरिजन मेंबर्स इन द म्यूनसिपल काउंसिल वॉज ऑल्सो डिसकंटिन्यू. तो ये चेंजेस आया कि हरिजन के लिए अलग से प्लेस बनाया जाता था, तो उनको वो भी हटाया गया कि इक्वल हैं और उनको एक समान दृष्टि से देखा जाए. देन कल्चरल रिनेसेंस, देन मतलब सांस्कृतिक पुनः जागरण. तो द सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट स्पार्क अ कल्चरल रिनेसेंस इन तमिलनाडु प्रमोटिंग तमिल आइडेंटिटी लिटरेचर एंड हेरिटेज. सो इट इनकरेज पीपल टू टेक प्राइड इन देयर कल्चर रूट एंड रिजेक्ट इम्पोज कल्चरल हेगेमोनी. तो लोगों सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट के चलते लोग अपने कल्चर को और अच्छे से जानने लगे, उसका रिस्पेक्ट करने लगे. इट लेड टू द प्रमोशन ऑफ इंटर कास्ट एंड इंटर रिलीजियस मैरिज एंड लेजिस्लेशन ऑफ मैरिजेस विदाउट ब्राह्मण प्रीस्ट. ये एक बहुत बड़ी बात थी क्योंकि पोस्ट इंडिपेंडेंस तमिलनाडु पास अ लॉ एंड बिकम द फर्स्ट स्टेट टू लीगलाइज हिंदू मैरिज विदाउट अ ब्राह्मण प्रीस्ट. सबसे पहला वो ऐसा स्टेट था जिसने बिना पुजारी के शादी को मान्यता दी. देन वुमेन्स एम्पावरमेंट. सो पेरियार्स एडवोकेसी फॉर वुमेन्स राइट लेड टू इंक्रीज अवेयरनेस एंड ग्रेजुअल इम्प्रूवमेंट इन द स्टेटस ऑफ वुमेन. द मूवमेंट एम्फोसिस ऑन education and equal right for women paved the way for greater gender equality. However, the movement failed to liberate women as well as the lower caste and secured equal right for them. They failed to strengthen the economic condition of poor and depressed class since the movement was limited to Tamil Nadu. क्योंकि ऐसा माना जाता है कि movement उतना ज़्यादा सफल नहीं हुआ. उनके चलते चेंज तो हुए सोसाइटी में, लेकिन क्योंकि वो एक तमिलनाडु एक लिमिटेड प्लेस से वो शुरू हुआ था और वो ज़्यादातर उसी के आसपास ही रह गया, इसलिए सफलता कम मिली ऐसा जाना जाता है. सो इट हैज वेरी लिमिटेड इन्फ्लुएंस. सो ई वी रामस्वामी पेरियार सेल्फ रिस्पेक्ट मूवमेंट वॉज अ रेवोल्यूशनरी फोर्स दैट चैलेंज द ऑप्रेसिव सोशल ऑर्डर and champion the cause of equality, rationalism and social justice. Periyar relentless effort to promote self-respect and dignity for all individuals regardless of caste or gender have left an indelible mark on Indian society. His legacy continues to inspire and guide those who strive for a more just and equitable world. So this was the content about self-respect movement by E.V. Ramaswamy Periyar. Thank you so much.